अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग बात करेंगे, जो टॉपिक है हमारा वो है शोल्डर इम्पिंचमेंट सिंड्रोम। शोल्डर इम्पिंचमेंट सिंड्रोम में जैसा आप लोगों को पता है कि ये बेसिकली ओवरहेड एक्टिविटीज़ की वजह से एग्रीवेट होता है। ज़्यादातर लोगों को होता है, बताते हैं कि ओवरहेड एक्टिविटीज़ में हमें पेन होता है, या उनका ये कहता है कि जब मैं अबडक्शन करता हूँ, यानी हाथ ऊपर की तरफ लेके जाता हूँ, एक खास एंगल पर मुझे थोड़ी देर के लिए पेन होता है, फिर ख़त्म हो जाता है ऊपर जाने। तो ये जो है वो ज़्यादा फीचर्स दे रहे होते हैं पेन के साथ पेशेंट्स। अगर ऐसा कोई पेशेंट है, कोई अपनी अपनी ही एक्टिविटी में वो बताता पेन हो रहा है, तो हमें उसी चीज़ को देखते हुए असेस करना चाहिए उन्हीं एक्टिविटीज़ के साथ। तो सबसे पहले जो मैं इसको असेस करने का तरीका बताऊंगा, क्लिनिकल टेस्ट जो होते हैं हमारे, एक तो नेयर टेस्ट है। नेयर टेस्ट के लिए आपने क्या करना है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि हमारी जो नॉर्मल फंक्शनल एक्टिविटीज़ है, सारी जो एलिवेटेड एक्टिविटीज़ होती हैं, जितनी भी एलिवेशन होती है, वो लैटरल रोटेशन में होती है। अगर कोई ऐसा पार्टिसिपेंट है वो इंटरनल रोटेशन के साथ ओवरहेड एक्टिविटीज़ कर रहा है, तो उनको ज़्यादा चांसेस होते हैं शोल्डर इम्पिंचमेंट सिंड्रोम के। तो उसी चीज़ को हम क्या करते हैं, जब आप टेस्ट करते हो तो वही इमीडियट रोटेशन के साथ ही आप टेस्ट करते हो, एलिवेट करके उसको। फिर ये कहते हैं कि स्पेस को कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है ताकि वो इम्पिंचमेंट हो तो वो ज़ाहिर हो जाए। तो सबसे पहला है नेयर टेस्ट। नेयर टेस्ट के लिए आप क्या करोगे, ऐसे आ जाओ, मीडियल रोटेशन की मैंने पूरी मीडियल रोटेशन कर दी, देन आप मीडियल रोटेशन के बाद फ्लैगजन में ले जाए। जब आप फ्लैगजन में लेकर जाओगे तो उसी वक्त चेहरे के इम्प्रेशन देखने होंगे आपको कि पेनफुल तो नहीं है, और वर्बल पेशेंट से पूछ सकते हैं कि पेन हो रहा है या नहीं हो रहा। तो ये नेयर टेस्ट है, आपने पहले मीडियल रोटेशन कर दी फुल, देन आप शोल्डर को फ्लैक्स कर रहे हैं, ये आपने नेयर टेस्ट से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। दूसरा टेस्ट होता है हॉकिंस कैंडिडेट टेस्ट, उसमें भी मीडियल रोटेशन करके आप चेक करते हैं। आप 90 डिग्री पे आपने रखा हुआ है शोल्डर की फ्लैक्जन, और 90 डिग्री पे आपने एल्बो फ्लैक्जन रखी है, ठीक है। आप ह्यूमरस को स्टेबलाइज कर लें अपने हाथ के साथ इस तरीके से ताकि रिलैक्स हो जाए। रिलैक्स पोजीशन में आपने मीडियल रोटेशन को अप्लाई करना है। अब ये मीडियल रोटेशन कर रहे हैं तो इम्पिंचमेंट हो सकती है, क्योंकि स्पेस आप ऑलरेडी यूज कर रहे हैं, अगर इम्पिंच कर रहा है तो सामने आ जाएगा, जाहिर हो जाएंगे सिम्टम्स उसके, ठीक है। तो ये दो टेस्ट हैं बेसिकली ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। और कौन सा स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, तो आप उसके साथ उस रोटेटर कफ मसल का कॉन्ट्रैक्शन आप करवा सकते हो, उसी की आइसोमेट्रिक कॉन्ट्रैक्शन करवा लें, स्ट्रेच करवा लें, ऑल और आइडेंटिफाई कर सकते हो। ज़्यादातर जो है वो रोटेटर कफ मसल्स के साथ आप लैटरल रोटेटर्स को चेक करते हो, ठीक है। लैटरल रोटेशन को आप चेक करते हैं, आप लैटरल रोटेशन के लिए यहाँ पर आ जाइए, तकरीबन 20 डिग्री, 15 to 20 डिग्री आप अबडक्शन रखें, उसके बाद 90 डिग्री फ्लैक्स करें, देन लैटरल रोटेशन को होल्ड करवाएं। अब मैं पेशेंट को कहूँगा यहाँ पर रोकने के लिए, अगर वो रोक के रख सकते हैं तो सही है, अगर वीक होगा, रोटेटर का मसल्स वीक है तो वो गिर जाएगा, रोटेटर का इंजरी हुई है तो वो गिर जाएगा। उसके साथ अगर इम्पिंचमेंट हो रही है तो आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिक जो टेस्ट है वो दो इम्पिंचमेंट के, इसके साथ आप रोटेटर कफ की वीकनेस को आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तीन टेस्ट से आप इम्पिंचमेंट सिंड्रोम को, शोल्डर इम्पिंचमेंट सिंड्रोम को आइडेंटिफाई करें। इसमें बर्सा की वजह से भी हो सकता है, और टेंडन सुप्रास्पाइनस का टेंडन मोस्टली इन्वॉल्व होता है, उसकी वजह से भी हो सकता है। अच्छा जी, दूसरी चीज़ ये है कि जब आपने इसको असेस कर लिया, अब हमें ट्रीटमेंट को डिज़ाइन करना है, मैनेजमेंट कैसे करनी है, तो उसके लिए आपने क्या करना होगा, तीन तरीके हैं उसको असेस करने के लिए, किस तरीके से क्या वजह हो सकती है, जिस उसी मसल्स पे आप स्पेसिफाई करें, इम्प्लीमेंट करें। तो सबसे पहला है कि आप जो है वो शोल्डर इनस्टेबिलिटी हो सकती है, पॉसिबिलिटी रोटेटर कफ वीक है, शोल्डर इनस्टेबिलिटी हो, लिगामेंटस इन्वॉल्वमेंट है, तो हम क्या करेंगे वही मूवमेंट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक स्विमर है तो उसको लेट के करवाएं, उल्टा लेटा के आप करवाएं, और कोई थ्रोअर है तो उसको स्टैंडिंग में करवा रहे हैं, उसको स्टैंडिंग में करवा सकते हैं। कोई सिटिंग में काम कर सकता है तो उसको सिटिंग में एक्टिविटीज़ करवाते हैं। तो यहाँ पर ये स्टैंडिंग में करवा रहे हैं हम, ठीक है, और उसके बाद वही एक्टिविटी करवाएंगे। जैसे कि ज़्यादातर पेशेंट्स में पेनफुल आर्ट्स इन्वॉल्व होता है, कि वो बताते हैं जब एक्टिवली उठाते हैं 60 और 90 के बीच में जो पेन होता है, फिर उसके बाद जो है पेन रिड्यूस हो जाता है जब एलिवेट करते हैं, वापसी लेकर आते हैं तो 60 और 90 के बीच में फिर पेन होता है। तो यही पोजीशन मैं करवाऊंगा पेनफुल आर्ट की, ठीक है। और उसके साथ क्या कर रहा हूँ, और उसके साथ क्या करूँगा, मैं पोस्टीरियर जो है वो स्लाइड करूँगा, स्टेबलाइज करूँगा शोल्डर को, और मैं उठाने का, अब उठाइए, अगर इसमें पेन कम होता है, यानी पहले जो पेन था कई दफा उठाया, और जब मैंने पोस्टीरियर ट्रैक किया है ह्यूमरस को, ह्यूमरस हेड को, उसके बाद जब उठा रहे हैं तो चेंजेस आ रहे नहीं आ रहे, पेन रिड्यूस होना चाहिए परसेंटेज में, ठीक है। और कितना परसेंट, 50% अगर रिड्यूस हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, हम इस ट्रीटमेंट को, इसको ट्रीटमेंट में लेके यूज़ कर सकते हैं कि हम भाई इसको स्टेबलाइजेशन एक्सरसाइज कराएं, रोटेटर कफ को स्टेबलाइज करें पोस्टीरियरली,
दूसरी चीज क्या हो सकती है, आप एंटीरियरली जो है वो स्लाइड कर सकते हैं और उसके बाद जो है आप उठवाइए। अब उठाओ तो दो तरीके, एंटीरियर आपने जो है ट्रांसलेट करके आप करने की कोशिश कर रहे हो और पोस्टियर ट्रांसलेट करके करने दीजिए, स्टेबलाइजेशन कर रहे हैं आप ह्यूमरल हेड की, ठीक है। अब अगर हमें पता चलता है इसमें पेन रिड्यूस हो रहा है तो हम उसी चीज को जो है वो अपने ट्रीटमेंट में शामिल करेंगे। दूसरा है तरीका, पॉसिबिलिटी होती है कि थोड़ा सी काइफोसिस है, थोड़ा सी काइफोसिस है तो उसके साथ राउंडेड शोल्डर हो सकते हैं, थोड़ा झुको, झुकने के बाद जो है वो फ्लेक्चर लिमिटेड हो सकती है, इसके साथ इम्पिंजमेंट हो सकती है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा की पॉइंट यूज करके, सेंट्रल की पॉइंट यूज करके मैंने इसको स्ट्रेट किया, काइफोसिस को कम किया। अब मैं कहता हूँ अब उठाओ अबडक्शन में, ठीक है, जिसमें पेनफुल हो रहा है तो उसमें उठा के, और फिर पूछेंगे कितना परसेंट पेन रिड्यूस हो रहा है। आप NPRS न्यूमेरिकल पेन रेटिंग स्केल पे रिड्यूस कर सकते हैं, परसेंटेज के हिसाब से पूछ सकते हैं कितना परसेंट कम हो रहा है, ठीक है। अगर ये प्रॉब्लम है यहाँ से अगर बेहतर हो रहा है और यहाँ से भी बेहतर हो रहा है तो दोनों मसल्स को, दोनों एरिया को आप अपने ट्रीटमेंट में शामिल करें। सिर्फ यहीं से हो रहा है तो काइफोसिस को आपको बेहतर करना होगा, ठीक है, इसको बेहतर करेंगे तो ये इम्पेजमेंट बेहतर हो सकती है। दो चीजें हो गई, हमने इसको मसल्स को स्टेबलाइज कर लिया, दूसरा हमने ये कर लिया। अब तीसरी चीज है स्कैपला, स्कैपला की मूवमेंट को आपने देखना होगा। स्कैपला की मूवमेंट को देखने के लिए आप शोल्डर को पीछे रखवा सकते हैं ताकि आप इंफीरियर एंगल को इजीली आइडेंटिफाई कर लें, इंफीरियर एंगल को इजीली आइडेंटिफाई कर लिए, हाथ नीचे कर लीजिए, ठीक है। इसके साथ हम दोनों हाथों की अबडक्शन करवा सकते हैं, उठाइए और फिर मैं इसको मेजर करूंगा कौन सा हाथ जो है कौन किस में जो है मूवमेंट ज्यादा, ये कहना कि रिदम बेहतर है ना, ये कोई आगे जा रहा है पीछे जा रहा है, स्टेबलाइजेशन है, एक रिदम में स्कैपला मूव कर रहा है नहीं कर रहा, जहां पर आपको चेंजेस मिलते हैं, ठीक है, उसी मसल्स को हम यहाँ पर चले जाएंगे। सेरेटस एंटीरियर इन्वॉल्व है, उसकी वीकनेस की वजह से हो रहा है या ट्रैपेजियस की वीकनेस की वजह से हो रहा है तो हम इसको स्ट्रेंथन कर सकते हैं। अब इसके लिए इसका जो है, अब दोबारा जब मैं करवाऊंगा इसको स्टेबलाइज करके करवाऊंगा, रिलैक्स छोड़ो, मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है, ऐसे पकड़ लेते और स्टेबलाइज, अब उठाओ, अब मैं स्कैपला को असिस्ट कर रहा हूँ, देन उसके साथ मैं पूछ रहा हूँ वापसी, यानी स्कैपला की मूवमेंट कर रहा हूँ आगे फिक्स करके, फिर उठाओ। तो अगर इसमें पेन रिड्यूस होता है तो हमें पता चल जाएगा भाई स्कैपला तो रिदम की वजह से हो रहा है, मुझे जो है इसके अराउंड स्कैपला मसल्स को इम्प्रूव करना होगा, ठीक है। इसी तरीके से हम ट्रीटमेंट को लेके चलेंगे। ये आज मैंने आपको असेसमेंट बताई है इससे रिलेटेड कि हमारा ट्रीटमेंट डिजाइन क्या होगा। मैंने बताया अगर शोल्डर से रिलेटेड मिल रहा है आपको, शोल्डर को स्टेबलाइज करके अगर पेन कम हो रहा है शोल्डर के रोटेटर कफ को इस्तेमाल करें, बेहतर करें। आपको थोरेसिक के पे इन्वॉल्वमेंट मिल रही है तो थोरेसिक से रिलेटेड आपने उसको एक्सटेंशन में इंप्रूव करना होगा। आपको स्कैपला से रिलेटेड इन्वॉल्वमेंट मिल रही है तो स्कैपला को बेहतर करना होगा, ठीक है। नेक्स्ट में हम इसको ट्रीटमेंट को और ज़्यादा, नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रीटमेंट हम इसे इंप्लीमेंट करेंगे और बताएंगे क्या ट्रीटमेंट हो सकती है, ऑप्शंस क्या हो सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।